इलेक्ट्रिकल दुकान संचालक ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। परिजन इस मामले को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग कर रहे हैं। घटना के बाद सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल भिजवा दिया है। ये सूचना मिली थी रात में 1 तारीख के 23:50 बजे कि एक व्यक्ति ओवरब्रिज के उधर आगे ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई है। करीब 23:50 बजे रात में सूचना मिली तो हमारे रात्रि गश्त में जो जवान थे वो 100 डायल गए, तो फिर इनको परिजनों को भी बुलवाया गया और लाश को मर्चेरी रूम में रखवा दिया। ये मृतक का नाम है अरुण पिता गोरख कामले, मराठी है, उम्र 45 वर्ष है, रहने वाले ये 78 के हैं और गौरी नगर में ये इलेक्ट्रिकल की दुकान पर परजन उनके भाई हुए, रविंद्र भाई है छोटा, वो रहते 78 में, वो अलग रहते हैं। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि मुझे सूचना मिली थी तो हम गए वहाँ, देखा तो उनकी ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई। वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्राइम भाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।